टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बैनर्जी और कुणाल वर्मा एक बार फिर से अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों को हाल ही में पेपराजी ने एक साथ स्पॉट किया, जहां दोनों अपने कैजुअल लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचते नजर आए। तो वहीं पूजा बैनर्जी इस दौरान एक बार फिर से नई नवेली दुल्हन बनने के बाद मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाले स्पॉट हुई। वह कुणाल वर्मा और पूजा की लव स्टोरी किसी से छुपी नहीं है। दोनों ने पिछले साल कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद इनका एक बेटा भी है जो कि एक साल का हो चुका है। लेकिन अब फिर से धूमधाम से दोनों ने शादी कर ली है और दोनों जमकर लाइमलाइट में भी बने हुए हैं। हाल ही में टीवी एक्टर कुणाल वर्मा की फिल्म बॉब बिस्वास रिलीज हुई है, जिसके स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान कुणाल वर्मा अपनी खूबसूरत पत्नी पूजा बैनर्जी के साथ नजर आए थे। जी हां दोस्तों, इस न्यूलीवेड कपल को पेपराजी ने इनके दोस्तों के साथ स्पॉट किया, जहां दोनों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी पेपराजी को पोज दिए और अकेले भी पेपराजी को जमकर पोज देते नजर आए थे। दोनों इस वक्त लाइमलाइट का हिस्सा बने हुए थे। बता दें कि एक्ट्रेस अपने पति कुणाल वर्मा की फिल्म बॉब बिस्वास के स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान कैजुअल अवतार में स्टनिंग अवतार में नजर आई, जहां पूजा बैनर्जी का किलर लुक देख सभी ने उनकी जमकर तारीफें भी की। वेल, इस दौरान पूजा बैनर्जी के लुक की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि पूजा बैनर्जी इस दौरान न्यू शेड टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहने नजर आई, जिसमें उन्होंने जमकर सुर्खियां बटोरी। एक्ट्रेस पूजा बैनर्जी इस दौरान ओपन हेयर और न्यूड मेकअप में स्पॉट हुई। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने अपने इस लुक को स्पोर्ट शूज से कम्प्लीट किया। वेल, अभिषेक बच्चन स्टारर बॉब बिस्वास 3 दिसंबर को OTT पर रिलीज हो चुकी है और इससे पहले ही मुंबई में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी जा चुकी है, जहां पर पूजा बैनर्जी और उनके पति कुणाल वर्मा तो लाइमलाइट का हिस्सा बने ही रहे। इसके अलावा कई और लोग भी शामिल हुए, जिनमें मुकेश छाबड़ा, सुजय घोष और लीड एक्टर अभिषेक बच्चन और उनका परिवार भी नजर आया था। वेल, बॉब बिस्वास में अभिषेक बच्चन का किरदार काफी दिलचस्प है। वो इस फिल्म में कॉन्ट्रैक्ट किलर की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपनी याददाश्त खो देता है, और ये किरदार तो हम पहले ही विद्या बालन की फिल्म कहानी में भी देख चुके हैं। वो आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन के इस फिल्म में किरदार की तारीफ उनके पिता अमिताभ बच्चन ने भी की है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म कुछ मायनों में फिल्म कहानी से बेहतर बनी है। वेल दोस्तों, जितने इस फिल्म की तारीफें सुनने को मिल रही हैं, उतनी ही इस फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे न्यूलीवेड कपल के भी खूब तारीफें हो रही हैं। सभी लोग उनकी शादी के लिए एक बार फिर उन्हें बधाई देते नजर आए और उनकी जमकर तारीफें करते भी नजर आए। दोनों ने मिलकर पेपराजी को भी खूब पोज दिए और अपनी खूबसूरत अदाओं से एक बार फिर पूजा बैनर्जी ने सबका दिल जीत लिया। तो वहीं दोनों अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री को लेकर भी जमकर सोशल मीडिया पर इस वक्त छाए हुए हैं। तो दोस्तों, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको एक्ट्रेस पूजा बैनर्जी और कुणाल वर्मा की रोमांटिक केमिस्ट्री कैसी लगी और दोनों की पेपराजी के सामने इस बॉन्डिंग को लेकर आपकी क्या राय है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।